हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल रात से बारिश आ रही है, जगह जगह पानी भर गया है, बहुत तेज 2-3 बजे से बारिश हो रही है और दिन तक बारिश होती रही, तो पार्क जाना भी मुश्किल हो गया। ऐसा लगता है घर में कैद हो गए हैं। फिर मैं नेचर को देखती हूँ तो ऐसा लगता है भगवान भी क्या चीज बनाई है। रात भर मैं सोचती रही तो कुछ भाव आए मन में। ऐसा लगा आसमां कितना ऊंचा है, इतना विशाल है, फिर भी धरती पर क्यों झुका है ना। और इंसान है, इंसान में तो जरा सा एक नौकरी पालो घमंड हो जाता है कि भाई मेरे बराबर कोई नहीं है। पर आकाश को देखो, कोई उसको कहता नहीं है, धरती कुछ बोलती नहीं है कि बारिश करो, धूप बरसाओ, है ना। फिर भी टाइम टू टाइम अपने आप ही बादल बरसते हैं और धरती की प्यास बुझाते हैं। और धरती के बच्चे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चिड़िया, ऐसे जगह जगह पानी भरा हुआ है, उसमें नहा नहा कर बहुत खुश होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गिलहरियां पेड़ पर चढ़ती हैं, बंदर आते हैं, तो एक सुकून महसूस करते हैं जब बारिश होती है और पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। चिड़िया तितली भंवरे गुनगुनाते हैं, कितना अच्छा लगता है इंसान को देखकर। पर इंसान बहुत घमंडी है, बहुत अभिमान हो जाता है इंसान में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह रूल रेगुलेशन बनाए हैं इंसान के लिए। पक्षी हैं, शाम के टाइम मैं देखती हूँ पक्षी आकाश में क्रम से विचरण करते हैं, लाइन बनाकर चलते हैं। पर इंसान के लिए जगह जगह पर रेड लाइट है, पुलिस वाले खड़े हैं, फिर भी समझाना पड़ता है कि बैरियर मत तोड़ो, ग्रीन लाइट हो तभी जाओ, रेड लाइट में मत जाओ। ऐसा क्यों है? इंसान समझदार है, इतना दिमाग दिया है, उसका मिस यूज कर रहा है इंसान। और पशु पक्षी हैं, इनको कोई भी कहने वाला नहीं है, कोई भी समझाने वाला नहीं है, फिर भी अपने आप आकाश में ऐसे क्रम से लाइन बनाकर चलते हैं। कितना अच्छा लगता है देखकर। सूरज को देखो, टाइम से अपने आप सुबह निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है। चंद्रमा को देखो, फिर चंद्रमा की ड्यूटी लगती है, पूरी रात चंद्रमा चमकता है। पूर्णमासी का चंद्रमा देखो, फुल मून, कितना अच्छा लगता है। चंद्रमा क्या है? एक चाहत है चंद्रमा के प्रति कि भाई तुम, ये नहीं कि यंग बंदे ही चंद्रमा को देख सकते हैं, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, अब कभी भी देखो, चाहत जो है कभी भी खत्म नहीं होती। प्यार खत्म हो जाता है पर किसी को चाहना, जैसे मीरा ने किसको चाहा, कृष्ण जी को चाहा। और मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है ये गीता के बारे में या हिस्टोरिकल स्टोरीज के बारे में, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। पर एक जो है मिसाल कायम करनी, जैसे राधा ने चाहा, मीरा जी ने चाहा, कृष्ण और राधा का जो है रास कितना मतलब हमें सुकून देता है, एक अमर हो जाता है। ऐसे ही किसी को चाहना, चंद्रमा को, सूरज को, पेड़ पौधों को, प्रकृति को, नदियों को, अपने आप नदी नीचे उतरती है, अपने आप अपनी जगह बनाती बनाती सागर में जाके विलीन हो जाती है। कोई कुछ नहीं कहता कि तुमने रूल तोड़ दिए, रेगुलेशन तोड़ दिए, कोई कुछ नहीं कहता। और यहां इंसानों का जरा सी बात कर लो, मतलब से जो लोग बात करते हैं तो कहते हैं मतलब ही है, और निस्वार्थ भाव से बात करो तो पता नहीं कुछ और ही शंका जताते हैं। तो लोगों का काम है कहना, लोग क्या है, कुछ ना कुछ कहेंगे, खाली बैठे हैं या बिजी हैं, हर को दूसरे की थाली में, दूसरे के घर में झांकने की आदत होती है। तो हमेशा निस्वार्थ रिश्ते निभाने चाहिए, कहने की जरूरत नहीं हो। तुम किसी को अपनी मुस्कुराहट दे सको, प्यार बांट सको, है ना, तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। इंसान को बात करनी चाहिए। पहले मैं बहुत ही अपने आप में घुटी घुटी सी रहती थी, अब थोड़ा ब्रेक मिला है जिंदगी से तो लगता है बात करनी चाहिए। हमें बात करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। हम एक अपनी छवि वैसे ही बना लेते हैं, एक व्यक्ति जैसा हमारे जीवन में आता है तो हम ऑल ओवर छवि ऐसी बना लेते हैं, यार सारी दुनिया ऐसी है, छोड़ो, क्या किसी से बात करेंगे, क्या किसी को समझाना। पर वास्तव में ऐसा नहीं, सारी दुनिया गलत नहीं है, हम गलत नहीं है। हमें बात करके पता चलता है बहुत सी बातें। हम अपने आप में फन्ने घा बने रहते हैं कि हमें तो भाई सब आता है, पर जब तक आप दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे,
जब तक आप दूसरे से बात नहीं करेंगे आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। तो बात करने में क्या बुराई है? हमें बात करनी चाहिए, ये एक खूबसूरत अभिव्यक्ति है, मुझे ऐसा लगता है। और नेचर को देखो, आसमान से कुछ सीखो, है ना, धरती से सीखो। धरती कभी भी कहती नहीं है कि बरसो या मुझे तपा दो या कुछ कर दो, अपने आप ही प्रोसेस चलता रहता है, अपने आप ही। कितना अच्छा लगता है देखकर कि आसमान बादल, है ना, कैसे बरसते हैं धरती पर, और कितना मतलब सुकून मिलता है इंसानों को भी। और मौसम बदलता रहता है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात, है ना। तो और इंसानों को लोग कहते हैं यार ये बदल गया, ये अब वैसा नहीं रहा। भाई बदलना प्रकृति का नियम है, इसमें क्या बुराई है? बदलना चाहिए, टाइम के अनुसार इंसान को बदलना चाहिए। हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? बदल गए भाई। बारिश में छाता क्यों लेते हैं, है ना। तो जैसा मौसम आता है वैसा हम करते हैं, वैसी चीजों का उपयोग करते हैं। तो बदलना प्रकृति का नियम है, हमें भी टाइम टू टाइम बदलना चाहिए। और सबसे अच्छी बात देखो क्या है कि जो रूह है, रूह हमारी आत्मा एक ही बॉडी में 60-70 साल तक कैद हुए रहती है, और जैसे ही श्वास उखड़ती है, श्वास से निकलती है, और रूह सबसे पहले बॉडी को छोड़कर कोई और शरीर धारण कर लेती है। ऐसा मैंने झुक गया आसमां पिक्चर में सुना था, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। तो मतलब अब हम कहें कि भाई कि रूह ने भी साथ छोड़ दिया, तो ये एक नेचर है कि हर किसी को बदलना है, हर किसी का समय पूरा होता है। जैसे पेड़ से पीले पत्ते झड़ते हैं, कभी भी नहीं रोते पेड़ कि पीले पत्ते झड़ गए, हमारे माँ बाप चले गए, हमारा वो है भाई। फिर थोड़े दिन बाद नई नई कोपले निकलती हैं, पर इंसान पहले माँ बाप के साथ रहता है, बहन भाई के साथ रहता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनके साथ रहता है, लेकिन रोता बहुत है यार, मेरी माँ चली गई, मेरे पिताजी चले गए, है ना। एक थोड़ा सा उनको सेट करके जाए तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई सेट कर गए, लेकिन बीच समय में चले जाए तो फिर रोना आता है। तो अपने मन को समझाने वाली बात है, जिसने जैसे कर्म किए, जिसने जैसा वैसा ही फल मिलता है। तो कोशिश करे, धैर्य रखे, सब्र रखे, है ना, नेचर को देख के अपने माइंड को बदले। और आपको कहने की जरूरत ना पड़े कि भाई क्रम से चलो और टाइम से उठ जाओ, टाइम से सो जाओ, सूरज चंद्रमा को देखो, है ना, इनसे सीख लो और हमारे बॉडी से सीख लो। अब मैं सारी उम्र पैसा घर बच्चे ये वो, अब मैंने अपना माइंड बिल्कुल बदल लिया है कि भैया अपने श्वासों पर ध्यान रखो, इनको कंट्रोल करो, अपने मन पर ध्यान रखो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, गुस्सा नहीं करना, कूल रहना है, है ना, किसी से भी कोई फालतू बात नहीं करनी, किसी को कोई गलत नहीं बोलना, है ना, दिल को जो है काबू में रखना है। मन बहुत चंचल है, मन हम होते यहाँ है भागता कहाँ है, तो मन को वश में करना। आपने देखा है योगी मुनि ऋषि मुनि जो है वो यही तपस्या करते हैं कि मन को कंट्रोल में करना, कैसे करना है, दिल को वश में कैसे करना, इंद्रियों को वश में कैसे करना, हम अपनी आंखों को देखना अच्छी बात है। कोई लड़की जा रही है सुंदर, देखो, है ना, लेकिन देखते रहना, घूरते रहना, ये गलत बात है। तो कोशिश करो कि आप ऐसे काम करो कि दूसरे को भी, सामने वाले को भी अच्छा लगे। आप क्या कहते हैं, मैसेज करके जरा जरूर बताइए। सुपर बात।